जेल में बंद 1200 से भी ज्यादा कैदी। 191 कैदी कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बस्ती जेल में बंद कैदियों में से 191 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बस्ती कारागार में तकरीबन 1250 कैदी बंद हैं और सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने एंटीजन मशीन से टेस्ट किया जिसमें 191 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि खुद जिला अधिकारी रमेश चंद्र ने किया है। बैरक नंबर 5 और 8 में कैदियों में से 191 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सभी पॉजिटिव कैदियों को बैरक नंबर 9A 9B में शिफ्ट किया गया है। इनकी निगरानी में तैनात जेल प्रशासन के स्टाफ को भी पीपी किट मुहैया कराया गया है। स्पेशल मेडिकल टीम 9A 9B के कैदियों के लिए तैनात की गई है। सैंपलिंग कराई गई है, एंटीजन टेस्ट लोगों का किया गया है। डॉक्टर्स की टीम आई थी जिसमें 191 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। उसमें कितने लोगों को? ये 374 लोगों की आज सैंपलिंग की गई जिसमें 191 केसेस। अब क्या सर एहतियात कदम उठाया जा रहा है? नहीं, एहतियात के तौर पे जो भी अन्य लोग हैं उनको एक तो अलग आइसोलेट करके क्वारंटाइन कर दिया गया है और इसमें से जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे 8 उनको अलग से पहली हॉस्पिटल भेजा गया। कितने कैदी सर हैं यहाँ पर आज की तारीख में? 1250 कैदी। सर क्या सबकी सैंपलिंग होगी, जांच होगी? नहीं, सबकी सैंपलिंग नहीं है। यदि आवश्यकता अनुसार पाया जाएगा तो सैंपलिंग कराई जाए, क्योंकि इसके एक सप्ताह पूर्व ही 800 लोगों की सैंपलिंग की गई थी तो उस समय मात्र 3 पेशेंट ही निकले थे। यदि आवश्यकता होती है, किसी में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो कराया जाएगा और अदरवाइज अन्य लोगों को आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।